इस ब्लॉग में आप देखेंगे दो महीने बाद जो अपना कालका शिमला हाईवे पे टोल टैक्स है वो हम क्रॉस कर पाए, अगर किया तो कहां तक जा पाए, जो दुल्हन का चेहरा चार महीने से नहीं दिखा था उस दुल्हन का चेहरा यानी कि अपना बैंड। ट्रैफिक फिर वैसे ही जैसे पहले होता था। कैंट हो सारे, सुबह तो सूरज निकला हुआ था लेकिन एकदम से मौसम बहुत ही कैंट हो गया, बहुत ही हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी लेकिन फिर तेज हो गई और हम निकले अपनी उसी फेवरेट रोड पे क्योंकि हम इस मौसम का बेनिफिट उठाना चाहते थे। कहने का मतलब है बहुत ही रोमांटिक मौसम हुआ है, बहुत ही रोमांटिक मौसम हुआ है, लेकिन आज हम एक नई चीज की कोशिश करने जा रहे हैं कि जो हमारा ये शिमला वाला टोल टैक्स आता है इसे हम क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते और उसके बाद हम कहां तक जा पाते हैं। अरे एक और चीज बताना चाहती हूं यार, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी ना सैटरडे संडे को एसी आएगा क्योंकि ऋषि पता करके आए तो वो सैटरडे संडे को उठा के लेकर आएंगे, ऐसा कुछ है ना ऋषि? तो मैं ना दो दिन से ना बहुत गंदी गर्मी पड़ रही थी और मैं ना यूनिवर्स से प्रे कर रही हूँ यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दे, मतलब हमें एसी की जरूरत ना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए। और हम मानो कि उस दिन से आज तक मौसम इतना अच्छा है कि हम मतलब चादर वादर लेके सोते हैं, कोई गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यार सीरियसली जैसे जैसे मैं पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा हूँ ना, हल्की सी वाइब्रेशन नहीं होती बॉडी में ऐसे करके, ऐसे वाली वाइब्रेशन हो रही है। पास होते हुए भी कितनी दूर, अभी यहाँ से शिमला सिर्फ 78 किलोमीटर रह गया है, लेकिन पहले मैं बोलता था मैं तो बस शिमला तो ऐसे पहुंच जाता जैसे सुसु करने जाओ, लाइक सुसु करने जाना चलो शिमला चलते हैं, लेकिन अब देखो कुछ चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं है ना, लेकिन अब उनकी वैल्यू पता चलती है। दिस इज ऑलमोस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो जाती है। हम पहुंच चुके हैं परवानो, यहाँ पे सारी चेकिंग वगैरह होती है गाड़ियों की और यहाँ से आगे अगर आपके पास पास ना हो तो यहाँ से आगे नहीं जाने देते, यहाँ से हम यू मारेंगे। पुलिस वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उन्होंने हाथ मारा, लेकिन अगर उनको बोल दो कि हमने यू मारना है तो वो अलाउड करते हैं यू मारने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहती हूं। अभी हम पहुंचे हैं कौशल्या डैम, हालांकि इसके आगे जाना अलाउड नहीं है, लेकिन क्या था कि यहाँ पे मैं कभी आया नहीं था, हमेशा मैंने ऊपर से ही देखा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि ना पास से होके जाया जाए, इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे जाना अलाउड नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सच्चा, किसी ने सच ही कहा है कि तुम बहते हुए पानी के पास बैठो ना पॉजिटिविटी आती है, सच बहते हुए पानी के पास, खड़े हुए पानी के पास भी बैठ जाओ पर वो बाल्टी वाला ना, बाल्टी में रख के पानी, जब मैं पानी के पास बैठ गया मेरी टेंशन भागेगी। इतने दिनों बाद मैंने ये शॉट लिया, मजा आ गया। फाइनली दो महीने बाद कटिंग वगैरह करवाई है बाहर से, लेकिन जो चीज़ एक न्यू नॉर्म्स की बात करें अब ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगी, वो ये है कि जब जो बंदा मेरी कटिंग कर रहा था उसने प्रॉपर एक अपना शील्ड वगैरह लगाई हुई थी और एंट्री पे भी एक सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई थी, वो पैर से दबाओ और ऊपर से सैनिटाइजर निकलता था और जितने भी वो अपना कैंची या अपनी कंघी वगैरह यूज़ कर रहे थे वो सारी सैनिटाइज होके यूज़ हो रही थी। हालांकि तो फाइनली जो बीरबल की खिचड़ी नहीं पक रही थी वो खिचड़ी फाइनली पक चुकी है, ये देखे पक के अंदर तैयार है, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं क्योंकि सरी का इंतजार है। वाह 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 वाह, फुद्दू शहरी ऑन द स्पॉट बनाते हैं हम। वैसे ये एक बेड नहीं होता, सिर्फ ये घर के छोटे छोटे सपने होते हैं, ऐसे तो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, पहले मॉम डैड के पास रहते थे, सब कुछ बना बनाया मिल जाता था और खुद डिजाइन किया है, खुद इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। हालांकि कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ यार क्यों हुआ होता है, एक बेड ही तो इतना बड़ा हुआ बना दिया, भाई हुआ वाली बात है नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब तुम सारा कुछ इंडिपेंडेंटली करते हो ना तब तुम्हें इन्हीं छोटी छोटी खुशियों की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो
tus amigas diciendo que no ven. Esto se ha durado, que sea algo sincero, que un perro no cambia y eso lo que es. ये है जी हमारा फाइनली बेड, जो बेड मतलब कि पूरा मिस्ट्री बेड बन गया था, जिसे बनने में हमें ऑलमोस्ट 4 महीने लगे, 4 महीने लगे, लेकिन जो खुशी की बात है कि उनको जैसा हमने समझाया था बिल्कुल उन्होंने वैसा ही बनाया है। हालांकि टाइम ले लिया, एक टाइम लिया लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन हो गया, और दूसरा लॉकडाउन के चक्कर में क्या है कि ये फैब्रिक आने में टाइम लग गया, उसके बाद लेबर चली गई, लेबर बहुत कम थी इस कारण सारा टाइम लग गया, लेकिन जैसा बोला था वैसा ही बनाया है। कुछ छोटी छोटी सी कमियां हैं वो दूर की जा सकती है, विच इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन ये बेड मुझे बहुत अच्छा लगा है। फुल बेड का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये पूरा मिरर लगा हुआ है, ये स्वेड लेदर में हमने ये बॉक्सेस वगैरह लगाए हैं, और ये बीच में गोल्डन कलर की एक पट्टियां लगवाई हैं, दो इधर और दो इधर, और ऐसे ही यहाँ पे भी आगे। ये हो गया हमारा अपना मिरर, और ये बीच में हमारी गोल्डन पट्टियां, और ये मैचिंग हो रही है। लेकिन जो कमी मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि इनकी जो हाइट है वो थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी ये वाला स्पेस है, ये नहीं दिखना चाहिए, यानी कि ऐसी होनी चाहिए ये। और बाकी अभी इसके लिए गद्दे आए नहीं हैं, गद्दे भी अभी लेने हैं, जो पहले वाले गद्दे थे वो ही हमें यूज़ किए हैं ऐसे ही बिछाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, इसलिए वो छोटे लग रहे हैं, इसलिए वो स्पेस दिख रहा है। ऑर्डर दे दिया है, अब वो देखते हैं कब आते हैं, तो उस इसी के बेड के हिसाब से वो गद्दे आएंगे। हाँ, एक चीज दिखाओ क्या, और यहाँ साइड पे भी स्वेड लेदर लगाई है, और जो ये है ये भी सारी स्वेड लेदर है। जब हमने पोल किया था तो उस पोल में ये 3 बेड दिखाए थे, और इस बेड की सबसे ज्यादा डिमांड आई थी, लेकिन ये बेड को प्रैक्टिकली हमारे इंडिया के हिसाब से सही नहीं है, लाइक इसकी लाइफ बहुत कम है। तो फिर हमने और रिसर्च की, तो ये 2 बेड हमने फाइनल किए। उसके बाद उन दोनों बेड के कॉम्बिनेशन का कुछ अपनी एक क्रिएटिविटी सरी ने यूज़ की, थोड़ी सी मैंने सजेशन दी, ये चीज़ बन के आई थी। फाइनली अपनी बीरबल की खिचड़ी पक गई, फाइनली हमारा बेड सेट हो चुका है। अभी तो अकेला बेड ही सेट हुआ है ना, अभी सोफे, ये पर्दे, एसी, घर की हर छोटी छोटी चीज जो जरूरी होती है लाइफ की लाती है, ये सपनों का घर बनाए। नहीं नहीं मैं नहीं इमोशनल हो रहा, अभी तुमने कितनी सारी चीजें करनी है। अरे अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, बहुत सारी चीजें जो अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी देख तो बस मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे दिन चल रहे हैं, आपके आने वाले हैं, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, बस आने वाले, बस सीख लो, तुमने भी इसी फेज से गुजरना है। सही में तो ये तो अपना आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, फाइनली ये आ गया है। मिलते हैं अगले व्लॉग से कुछ नवी खप लेके, और सब्सक्राइब कर लिया करो यार, सब्सक्राइब और लाइक, दीज आर द ओनली 2 थिंग्स विच आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज, और प्यार भी 3 थिंग्स।